तो गाइस, कल हम लोग जा रहे हैं और एक जगह आपको ले चलेंगे। तो कल के लिए हम पूरा खाना वाना प्रिपेयर करके जा रहे हैं। कल है संक्रांति और मम्मी बना रही है अपना संक्रांति का पीठा और जितना भी है स्वीट्स, और मैं बना रहा हूँ कल का हम लोग जो खाएंगे वो खाना। तो यहाँ पे मैंने टमाटो और चिली और ऑनियन काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने पास्ता गरम कर लिया है, तो हम बना रहे हैं पास्ता और दिखाते हैं आपको और क्या क्या बनाते हैं। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो तेल गरम हो गया, आप देख रहे हो धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं जितने भी कटे सब्जी है वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो टमाटो आप देख सकते हो पूरा भून चुका है, अभी डालेंगे बाकी चिली और ऑनियन। तो ऑनियन अभी पूरा फ्राई हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन पिसा हुआ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर पेस्ट और थोड़ा सा मिर्ची का पेस्ट, तो और भुनेंगे। अभी हमारा मसाला भुन चुका है, अब थोड़ा सा पानी देंगे इसमें। तो ये पूरा मसाला भी भुन चुका है और इसमें अभी जितने भी सॉस है पास्ता का सॉस वो सब डालेंगे। सबसे पहले इसमें तंदूरी मायोनेज डालेंगे। मैं इसमें पिज्ज़ा टॉपिंग भी डालता हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो पास्ता का जो वाइट सॉस है वो अभी हम नहीं डालेंगे, वो चीज़ी फ्लेवर जो है वो लास्ट में हम लोग डालेंगे। अभी पहले इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अभी इसको थोड़ा सा सीम में डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये अभी हो चुका है और अभी इसमें पास्ता डालेंगे। तो ये जो पानी है इसी में हमने पास्ता गर्म किया था और इसी में अभी हम ये व्हाइट सॉस डालेंगे इसमें। के ऊपर अभी व्हाइट सॉस जो अभी बनाया है वो डालेंगे। तो 5 मिनट सिम करेंगे एंड वी आर डन। तो रेडी है गाइस, देखिए लजीज। थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी है, ये सुबह तक ये सूख जाएगा क्योंकि कल सुबह को हमको ये खाना है। तो मम्मी संक्रांति के लिए खाना वाना पका रही है, तो उसके लिए वो बिजी है, तो इसीलिए मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। The next day. तो आपने देखा ही होगा बर्गर यहाँ पे रेडी है, ब्रेकफास्ट के लिए बर्गर रेडी। और हमने यहाँ पे पास्ता तो कल से बना के रखा था, पास्ता भी रेडी है, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अंडा भी ले आए और यहाँ पे कॉर्न बॉयल करके हम लोग लेके जा रहे हैं, स्वीट कॉर्न। तो बाहर से कुछ भी नहीं खाएंगे, घर से सब कुछ। आज संक्रांति है, हैप्पी संक्रांति टू एवरीवन। इसीलिए मम्मी थोड़ा सा पूजा वूजा कर रही है, उसके बाद हम लोग सबको ही निकलेंगे। सबको ही नहा रहे, नहा वहाँ के सब कुछ रेडी हो रही है, क्योंकि आज भी घर में रख के जाएंगे हम खाना वाना देके। तो यहाँ पे और एक जन नहा लिए और अभी रेडी है जाने के लिए। देखिए जीप निकाल के मेरी वाइट काली, वाइट काली माँ। हाय गाइस, तो आज हम लोग संक्रांति कल है और आज 14, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ टेंपल विजिट के लिए और छोटा मोटा पिकनिक जैसा। बहुत लेट हो गया है, इट्स ऑलरेडी 12, तो चलते हैं आपको ऑन द वे दिखाते हैं। तो यहाँ पे सुतु और पापा रेडी हो गए, चलो चलो तुम रह जाओ, जाओ जाओ, टाटा बाय। तो गाइस शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग जर्नी लेके प्रभु का नाम। Thank you.
वाला रोड देखिए गाइस, कितना अच्छा है। पूरा जंगल चारों तरफ और बीच में से पूरा ग्रीनरी। छोटा सा डाइवर्शन लिया है, रोड शायद आगे बन रहा है तो देख सकते हो, थोड़ा सा उबर खाबर रोड है। थोड़ा सा आगे जाके फिर से पॉट होल से सब है। शायद इसके बाद ऊपर हाईवे फिर से चढ़ेगा क्योंकि रोड बन रहा है। अभी तक कुछ खाना वाना खाया नहीं है तो बहुत गर्मी है आज। और देखते हैं, अभी 30 मिनट दिखा रहा है, 30 मिनट्स कितना बजे पहुंचते हैं देखते हैं। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो चलते हैं कितना टाइम पे पहुंचते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट किए हैं खाना वाना खाने के लिए। ये देखिए जो मैंने कल बनाया था पास्ता, रास्ता को पास्ता। और ये देखिए शुतु यहाँ पे अपना, उसको देंगे कुछ दूध खाने के लिए। और अनु चम्मच लाने भूल गई तो प्लेट से चम्मच का काम हो रहा है। देखिए नहीं ऑलरेडी हो गया, ये हो गया है, हो गया अभी। मम्मी ने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। अनु देखो इधर। तो अभी थोड़ा सा ये पिकनिक टाइप हो रहा है, अभी हम लोग खाएंगे। शुतु यहाँ पे है। पास्ता हेलो अनु, हाउ इज द पास्ता? वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। लीजिए व्यूअर्स, आप लोग भी थोड़ा खा लीजिए। तो हमारा खाना हो गया। अभी शुतु का प्यूरी, अभी एप्पल प्यूरी अभी वो खा रही है, उसके बाद हम निकलेंगे। अभी मैं अभी खा रहा हूँ चिप्स और माँ अभी अभी अपना पास्ता खा रही है। केनो बाबा मुकेट शेष करो, मुकेट शेष करो। केनो केनो हम यू टर्न किए हैं और यू टर्न करके अभी लिपाक्षी टेम्पल के अंदर अभी जा रहे हैं। तो ये रोड है लिपाक्षी टेम्पल का, तो अभी स्ट्रेट जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। पूरा जंगल है रोड, देखिए गाइस पूरा जंगल वाला रोड है और माउंटेन्स भी है, छोटे छोटे माउंटेन्स।
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं लेपाक्षी टेंपल। इधर है आगे, अगर आप देख सकते हो तो इधर है आपका जटायु वाला ऊपर में पार्क जैसा, और इस तरफ है टेंपल। तो हम लोग पहुंच गए, अभी उतरते हैं, उतर के उसके बाद जाते हैं। तो पार्किंग का आपको यहाँ पे लगेगा 80 रुपीज। तो ये टेंपल हम लोग आ गए हैं लेपाक्षी टेंपल, और यहाँ पे मम्मी आ रही है, मम्मी को टोपी पहना दिए, पापा बेटी दोनों टोपी पहन गए। तो अभी अभी पहुँचे हैं। तो ये एंट्रेंस है, अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये सिर्फ मंदिर है, और उस साइड आपका लेपाक्षी पहाड़ के ऊपर है। तो अभी पहले टेंपल दर्शन करते हैं। यहाँ पर कोई और खा रहे है खाना अलाउ नहीं है, तो आदमी आके बोल रहा है खाना अलाउ नहीं है, क्योंकि सामने में टेंपल है, पूरा पिकनिक के जैसा मना रहे हैं इन लोग यहाँ पे। तो ये रहा आपका, तो बहुत ही बड़ा टेंपल है। अभी अंदर गए नहीं अभी तक, तो देखते हैं अंदर क्या है कैसा है। तो ये एंट्रेंस है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं भोजन दे रहे हैं भगवान का। तो लेपाक्षी टेंपल के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। लेपाक्षी टेंपल में जो भगवान को पूजा जाता है उनका नाम है वीरभद्र, जो कि शिव जी का एक अवतार है। जिस चीज के लिए ये टेंपल फेमस है वो है इसका हैंगिंग पिलर, जो कि कुछ देर में आपको दिखाऊंगा मैं। और इस हैंगिंग पिलर के पीछे भी एक हिस्ट्री है, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर आया था इसको तोड़ने के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, अगर हम जानना चाहें कि ये टेंपल यहाँ पे क्यों बनाया गया था, तो जब रामायण जब हुआ था, और उस समय रावण जब सीता मैया को जब हरण करके ले जा रहे थे, तो उस समय जटायु जो था, जो आप सबको पता है, जो रावण के साथ में फाइट कर रहा था, और फाइट करते करते रावण ने उसका एक पर काट दिया था, और वो ऊपर से नीचे जहाँ पे गिरे जटायु, और जहाँ पे गिरने के बाद फिर राम वहाँ पे आके फिर उनको उठाए, और उठाने के बाद में उनको जो वर्ड जो बोला गया था वो था ले पक्षी। तो ले का मतलब है उठो, और पक्षी का मतलब है बर्ड, तो उठो बर्ड। तो ये बोलने के बाद में उनको यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो तब से इसीलिए इस टेंपल का नाम भी लेपाक्षी पड़ा हुआ है। तो ये टेंपल जो है, ये टेंपल आपका 16th century का बना हुआ है, और ये टेंपल का जो निर्माण किया गया था वो राजा के दो खजानजी थे, एक का नाम था वीरुपन्ना और उसका भाई वीरन्ना। तो इन दोनों ने टेंपल वर्क करके ये टेंपल को बनाया था। तो आइए टेंपल के अंदर चलते हैं। अगर आप अंदर देखोगे तो ये पूरा ही एक केव है, पूरा एकदम पत्थर काट के, एकदम पूरा पहाड़ काट के अंदर में टेंपल बनाया गया है। बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही एंशियंट है ये। तो यहाँ पे कुछ म्यूरल्स है, आप देख सकते हो, या आप बोल सकते हो कि वॉल पेंटिंग जो पुराने दिन में जो बनाते थे, तो ये बहुत ही पुराने हैं, बट इनका मेंटेनेंस ठीक से इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पुराने वीडियो कोई भी देखो या पुराने कोई भी पिक्चर्स देखो लेपाक्षी टेंपल का, तो वहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ये मेंटेनेंस तो है ही नहीं। तो टेंपल के अंदर में जाने के समय जो आपने इतने सारे पिलर्स देखा है, और टेंपल ये पूरा को बोलता है नाट्य मंडप, तो इसमें कुछ 70 पिलर है, और उनमें से एक है जो कि है हैंगिंग पिलर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आउट ऑफ ऑल दिस 70 पिलर्स आपको दिखाता हूँ मैं, यही है वो हैंगिंग पिलर, और इसका जो हाइट है ये है 8 फीट,
और ये जमीन के ऊपर है, करीबन आधा इंच ये ग्राउंड लेवल से ऊपर में है। तो यहाँ पे एक फेमस ये चादर नीचे से निकालने का एक ट्रिक जो दिखाते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग कर रहे थे, तो एक आंटी कर रही थी, तो मैंने बोला कि आप करो और मैं वीडियो करता हूँ। तो इसका जो हिस्ट्री है इस पिलर का, तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे सन 1902 में, अपने एक ब्रिटिश इंजीनियर को इस मंदिर में भेजा था ये जो सीक्रेट है ये गुद्दी सुलझाने के लिए कि ये जो हैंगिंग पिलर है ये कैसे यहाँ पे हैंग कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ा सा एक सरिया लिया या रॉड लिया और इसके नीचे दे मारा और इसको हिलाने के लिए ट्राई किया सीक्रेट जानने के लिए कि ये हैंग कैसे कर रहा है। तो जब इसको हिलाने के लिए ट्राई किया, बाकी जितने भी पिलर्स थे वो सारे कांपने लगे और जैसे कि ये टेम्पल ही गिरने वाला है और टूटने वाला है। तो उसके बाद उसने इसको छोड़ दिया और वो निकल गया। तो ये सीक्रेट अभी तक भी किसी ने इवन कि आर्कियोलॉजिस्ट ये लोग भी बैफल्ड है, साइंस भी बैफल्ड है कि ये कैसे करके यहाँ पे हवा में खड़ा है। ये हनुमान जी का देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हाफ स्ट्रक्चर कंप्लीट किया गया था। तो इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो इसका नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है कल्याण मंडपा, और ये जो है इसमें राजा के जो मंत्री जो है उसने राजा को कंप्लेन कर दिया था अच्युत देव को कि जो यहाँ पे जो बना जो रहे हैं जो वीरुपन्ना जो है, तो उसने राजा के जो ट्रेजर है वहाँ से इलीगली तरीके से पैसे लेके ये मंडपा में बना रहा है, मतलब खर्च कर रहा है पैसा। तो राजा ने बोला कि इसके लिए उसको सजा दी जाएगी और उसके दोनों आंखें निकाल देने के लिए। जब वीरुपन्ना को ये पता चला तो उसको बहुत ही दुख हुआ और उसने खुद के आँख खुद ही निकाल दी, निकाल के यहाँ पे इसी मंडपा के वॉल पे दे मारा। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो मैंने एक पिक्चर लिया था, तो ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो खून के जो दो निशान जो है ये बोला जाता है कि उस वीरुपन्ना के आँखों के खून के निशान है। तो देर इज़ वन मोर कॉन्ट्रोवर्सी विच आई फाउंड इन द इंटरनेट के इसको लेपक्षी टेम्पल बोला जाता है और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जटायु यहाँ पे गिरे थे और राम ने उनको मोक्ष उनको दिया था, इसीलिए इसका नाम लेपक्षी मतलब उठो पक्षी टेम्पल का नाम है। बट कंट्रोवर्सी ये है कि केरला में एक टेम्पल है जटायु टेम्पल और उसका ही यहाँ पे एक थीम पार्क एक बना हुआ है और केरला के लोग बोलते हैं कि जो जटायु टेम्पल जो है वहाँ पे जटायु गिरा था। तो अगर अगर आप देखो मतलब जियोग्राफिकली अगर देखो तो रावण लंका में थे जो कि श्रीलंका है और केरला सबसे पास में पड़ता है जहाँ पे जटायु गिरे थे। और अब पता नहीं कौन सा सच है और कौन सा झूठ है क्योंकि हर एक स्टेट अपना अपना यू नो डिमांड करते हैं कि नहीं यही है यही सही है। तो अब यहाँ पे तो ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट ही मुझे बोल सकता है, अगर कोई है कमेंट्स में बताइए कि एक्चुअली में कौन सा राइट है, क्या केरला जटायु का गिरा हुआ स्थान है या ये ले पक्षी टेम्पल, क्योंकि इसमें इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने भी इंटरनेट में सर्च किया और दोनों में ये डिबेट है कि दोनों ही बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे गिरा है और केरला के लोग बोलते हैं कि नहीं ये जटायु पार्क जो है यहीं पे गिरा है। तो ये है एक कॉन्ट्रोवर्सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, हम इंडियंस ने फॉरेनर्स को छोड़ा नहीं है फ़ोटो खींचने के लिए भी, तो सही है। देखिए फॉरेनर्स इंडियंस का फ़ोटो खींच दे रहा है। तो गाइज अभी हम आए हैं जटायु थीम पार्क में, 6 बजे तक क्लोज हो जाता है तो पता नहीं अभी खुला होगा या नहीं, देखते हैं। तो ये जटायु थीम पार्क है, जटायु का मेन जो पार्क है वो आंध्र प्रदेश में है। टिकट पड़ेगा 20 रुपीस, मतलब 10 रुपीस ईच, हम लोग का 20 रुपीस पड़ा। तो चलिए चलते हैं। तो
और यहाँ पे सीढ़ी है, उसके बाद आयरन का सीढ़ी है। इतना बड़ा पत्थर के ऊपर बनाया है जटायु का। तो ये एक सुवेनियर शॉप है, यहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट जितने भी लिपाक्षी बनाते हैं तो वो सब आप खरीद सकते हो, फ्रिज मैग्नेट से लेके बच्चों का खेल लवाना तक। तो नंदी स्टैच्यू देखने का टाइम जो था वो पूरा हो गया था, तो वो बंद हो गया, तो इसीलिए हम बाहर से आपको अब दिखा रहे हैं। तो ये इंडिया में सबसे बड़ा एक ही स्टोन में कार्व किया हुआ नंदी है, सबसे बड़ा नंदी इंडिया में। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो का करते यहीं पे ख़त्म गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे, और इसी तरह के वीडियो मैं लेके आते रहूँगा। और इसके लिए आप प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और सारे वीडियो आप देख पाओ ऑन टाइम। ओके देन, थैंक यू सो मच एज़ यूजुअल। प्लीज़ हमारे छोटे से चैनल को बड़ा बनाने के लिए हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।